लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यश, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो जाने के साथ ही जो ड्रीम इलेवन है उस लीग की भी टीमें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लोग इस पर भी अपनी टीमें लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें जो है प्राइजेस नहीं जीत पाते। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो पांच सिंपल टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स, कुछ भी कहना है आप उसे, जिसमें आप बड़ी आसानी से जो है कुछ ना कुछ प्राइजेस जीत सकते हैं और ग्रैंड प्राइज भी जीत सकते हैं अच्छे खासे रैंक होकर। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, पहली टिप्स इस तरह की फैंटेसी लीग्स या ड्रीम इलेवन लीग्स को जीतने की वो है भाई, अपने टीम में ऑलराउंडर्स को लीजिए। मोस्ट ऑफ दी टीम्स मैंने देखा है जो लोग बनाते हैं बल्लेबाजों को अच्छा खासा ले लेते हैं या कुछ ऐसे अच्छे खासे गेंदबाजों को ले लेते हैं, नाम के आधार पर कभी टीम लेनी नहीं चाहिए। ऑलराउंडर्स को लीजिए, ऑलराउंडर्स तीन का कोटा रहता है, दो या तीन को तो लीजिए, मिनिमम दो को तो लीजिए। इससे होगा ये कि आपके पॉइंट्स जो है वो डबलिंग हो जाएंगे, बैट्समैन या बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में से अगर दोनों जगह परफॉर्मेंस कर दिया तो आप अच्छे खासे रैंक कर जाएंगे और कुछ ना कुछ आप प्राइज जीत भी जाएंगे और ग्रैंड प्राइज भी जीत सकते हैं। तो टिप नंबर वन यही है कि अपनी टीम में अच्छे से अच्छे ऑलराउंडर्स को जरूर लीजिए और ज़्यादातर तादाद में ऑलराउंडर्स लीजिए। दूसरी टिप्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स रहने वाली है ड्रीम इलेवन में, वो है भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सी टीम जीतती है तो उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन ये अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, इसीलिए वो टीम जो है मेगा प्राइस, ग्रैंड प्राइस जीत जाती है। लेकिन अब आप यही सोच रहे होंगे कि परफॉर्मेंस किस तरह से ऐसा लगाया जाए, अंदाजा लगाया जाए कि यही खिलाड़ी चलेगा। तो भाई 40% वही टीमें जीतती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक करती हैं, ग्रैंड प्राइस वही टीमें जीतती है 40% जिनके कैप्टन या वाइस कैप्टन में ऑलराउंडर्स रहते हैं। तो अपनी टीम के जब आप कैप्टन या वाइस कैप्टन चुने तो ऐसे ऑलराउंडर को कैप्टन बनाएं या वाइस कैप्टन बनाएं जो कि परफॉर्मेंस कर सकता है आपके आधार पर। तो ऑलराउंडर्स पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ड्रीम इलेवन जैसी जो फैंटेसी लीग्स की टीम है उसमें जीतना चाहते हो तो हमेशा कैप्टन और वाइस कैप्टन में जो है ऑलराउंडर्स को ज़रूर चुने। गाइज, जो तीसरी टिप्स रहने वाली है इस तरह की फैंटेसी लीग्स को जीतने की वो है भाई विकेट कीपर, बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन। अब किस तरह का कॉम्बिनेशन आपको जमाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले विकेट कीपर की बात करें, आप एक से ज़्यादा विकेट कीपर ले ही नहीं सकते, तो वो तो आपको एक ही लेना है। बल्लेबाज जो मिनिमम आपको लेने हैं वो तीन लेने हैं और मैक्सिमम चार लेने हैं। पांच बैट्समैन कभी भी अपनी टीम में ना लीजिए, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो पाँच में से दो या तीन फ्लॉप हो ही जाते हैं, मैक्सिममली यही होता है और उसके बाद आपकी टीम हार जाती है। तो तीन ऐसे बल्लेबाज लीजिए जिसके लिए आप कंसिस्टेंसी देखिए उनकी और आप श्योर हो कि ये खिलाड़ी चलेंगे ही। वो आपको आपकी क्रिएटिंग नॉलेज से जो है अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन तीन से ज़्यादा बैट्समैन आपको नहीं लेना। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो आपको तीन ऑलराउंडर्स लेने हैं, मैक्सिमम तीन ले सकते हैं तो तीन ही आपको लेने हैं जैसा मैंने पहले भी बताया। और उसके बाद अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो आप चार गेंदबाज लीजिए अपनी टीम में, क्योंकि गेंदबाज जो है वो ज़्यादातर पॉइंट्स दिलाते हैं एज़ कम्पेयर करें बल्लेबाजों से, बहुत ज़्यादा लोग इन्हें अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। गाइस, जो चौथी टिप्स रहने वाली है, बहुत सारे लोगों को ये टिप पता होगी, वो है उन्हीं खिलाड़ियों को ले जिसके लिए आप श्योर हो कि ये प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, उन खिलाड़ियों को भी ले लेते हैं और वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो पाते, बाद में आप शायद एक भी रुपये इस तरह के जो टीम है ड्रीम 11 की उससे ना जीत पाएं। इसीलिए हमेशा उन खिलाड़ियों को लें जिसके लिए आप श्योर हो कि ये प्लेइंग 11 में खेलेगा ही आज के मैच में। इसके लिए आप अलग अलग न्यूज़ साइट्स पर जा सकते हैं, आप हमारे चैनल पर जो प्रीव्यू वीडियो बनाते हैं हम उसमें भी देख सकते हैं, हम लगभग सही आपको खिलाड़ी बताएंगे जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाला है। तो ये भी आप ज़रूर मेक श्योर करें। और यही से जुड़ी हुई एक और बात यह है कि बड़े खिलाड़ियों पर ना जाएं, कभी भी नाम के आधार पर टीम को ना चुने, बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम देखकर अपनी टीमों को कभी ना चुने, परफॉर्मेंस के आधार पर जो है अपनी ड्रीम 11 की टीम को चुने। गाइस, जो पांचवी टिप्स निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है परफॉर्मेंस से। मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं कि अगर एक खिलाड़ी पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर देता है तो लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उस खिलाड़ियों को अपनी टीम में ले लेते हैं। तो गाइस, अगर कोई सा भी खिलाड़ी ने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस ली है तो उसे भूल के भी अपनी टीम में लीजिए ही ना।
अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस इस मैच में भी कर देगा ना तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो बताता हूँ मैं ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए शेन वॉटसन पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो अगले मैच में लगभग 70-80% लोग जो टीम बना रहे होंगे ना वो उस शेन वॉटसन को ले लेंगे। इससे फायदा ये होगा अगर वो शेन वॉटसन अगले मैच में भी चल जाता है ना तो भी सबको बराबर ही पॉइंट्स मिलेंगे, सबको मान लीजिए वो 80 पॉइंट कमाता है उस मैच में चलकर ड्रीम इलेवन में, तो सभी लोगों को 80 पॉइंट्स मिलेंगे और इससे फायदा यही होगा कि रैंकिंग में कोई फायदा होगा ही नहीं किसी को, तो वो खिलाड़ी एक तरह से किसी के सभी के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। ये हमेशा देखा गया है कि अगले मैच में वही टीमें जीतती हैं जिसमें वो पिछली मैच के परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी नहीं होता है। तो गाइज आप भी ये मेक श्योर करें कि पिछली मैच में अगर कोई ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसको बस सिर्फ नाम के आधार पर उठाकर ना ले लें। हाँ, अगर कोई खिलाड़ी कंसिस्टेंसली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसे आप अपनी टीम में ज़रूर ले सकते हैं। तो गाइज होपफुली ये थी हमारी वो 5 टिप्स, होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी, आप इसके आधार पर अपनी टीम बनाइए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि क्या आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, और मैं डेफिनेटली कहने वाला हूं आपसे कि आपको जरूर फायदा होने वाला है। तो गाइस इसी तरह की और वीडियोस और न्यूज और खबरें लगातार पाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए माइक्रोडेट प्रोडक्शन के, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।